आज के अपने पाठ के लेखक होंगे अनुपम मिश्र। और पाठ, जैसा कि हमने कल जिक्र किया था, पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे। कई लोगों के मैसेज आए तो उन्होंने बताया कि वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ वो अच्छा था सर, बस आवाज थोड़ी सी कम थी, उसके लिए माइक मंगवाया है। मैं तो इतना ही तेज बोल पाऊंगा, आप लोगों का माइक ऑन है, बहुत जरूरी हो तो आप प्लीज बोलिएगा, नहीं तो ये कंटिन्यू अपने रिकॉर्डिंग शुरू रहेगी और अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अनुपम मिश्र 1948 में जन्म, 2016 में उनकी मृत्यु, क्योंकि इस किताब से ज्यादा प्रश्न जो बनेंगे वो पाठों से बनेंगे, इसलिए लेखक परिचय भी छोटा ही दिया है, हम भी छोटा सा ही लेखक परिचय करेंगे। आजादी के बाद जन्म हुआ, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर इन्होंने काफी काम किया, 20 पुस्तकें उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लिखी। जन्म वर्धा महाराष्ट्र में, आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, ये बहुत चर्चित रही, जिनमें से राजस्थान की रजत बूंदे अपने पाठ्यक्रम में है, बहुत स्पीड से चलेंगे तो आज हो पाएगा ये बात। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी इन्होंने चलाई। 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से ये संबंधित रहे और सीधा अपने पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे। हूं तो मैं हरियाणा का, लेकिन क्योंकि हम राजस्थान के एकदम टच में हैं और राजस्थान में ही पिछले 15 सालों से हम रह रहे हैं, तो इस पाठ के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो हम साझा कर देते हैं। आप में से देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे बहुत सारे अध्यापकगण, तो मैं उनको बता दूं कि बहुत छोटी सी कुइयां बनाई जाती हैं कई जगहों पर। चूरू जिला है राजस्थान में, उसके टच में झुंझुनू जिला है, पिलानी हम रहते हैं, तो चूरू जिले में ऐसी कुइयां पाई जाती है। और पाठ के अनुसार तो जहाँ रेगिस्तानी एरिया है वहां पे ऐसी बहुत सारी कुइयां पाई जाती है। मेरा गांव हरियाणा में है, रहते हम राजस्थान में है, तो जिस हरियाणा के क्षेत्र से मैं हूँ वहां पर भी जब हम छोटे थे तो हमने 2 कुइयां देखी थी। उनका व्यास मान लो कुआं अगर ये है तो कुई ये है, व्यास छोटा होता है, पानी एक दिन में 1.5-2 मटके 3 मटके वो पानी दे पाती है, ज्यादा पानी देती नहीं है। एक ही सीध में अगर ज्यादा कुइयां हो गई तो फिर सब में पानी फट जाएगा, मींस सभी में पानी नहीं आएगा ज्यादा कुइयां होने से। हालांकि प्रत्येक कुई पर खुद का अधिकार होता है कुई बनाने वाले का, लेकिन इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति अपने ही घर में, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में, अपने खेतों में 50-60-70 कुइयां बना देगा, इसलिए समाज का प्रतिबंध होता है कि नहीं भाई इतनी सारी कुइयां बनाओगे तो किसी में पानी नहीं आएगा, तो समाज का प्रतिबंध होता है, इसलिए कुइयां सीमित मात्रा में ही बनाई जाती है। फिर यहाँ 3 पानियों का जिक्र आता है इसमें, रेजाणी पानी, पाताल पानी और पालर पानी। रेजाणी पानी, पाताल पानी और पालर पानी। पाताल पानी हम लोग सबमर्सिबल पंप वगैरह कुओं वगैरह से निकालते हैं, बहुत गहरा खोद कर निकालते हैं, वो अपना पाताल पानी हो गया, जो पानी बरसात का पानी नीचे धरती में समा गया वो अपना पाताल पानी हो गया। पालर पानी ऊपर जो तालाबों में पानी है, नदियों में बह रहा पानी है, ऊपर जो पानी है वो पालर पानी हो गया। ये जो पाठ है ये कुएं पर आधारित है और रेजाणी पानी पर आधारित है। रेजाणी पानी ऐसे स्थानों में लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों को जिंदा रखता है जहां पानी का कोई और साधन संसाधन है ही नहीं, ये कुएं से निकाला जाता है। मेरे पास क्योंकि अभी राइटिंग पैड है नहीं इसलिए थोड़ी लिखाई ऐसे ही आएगी, क्योंकि लैपटॉप पर ही उंगली चला चला कर लिख रहा हूं।
और अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा खुद पे गर्व होने लग गया कि मैं इतना सुंदर लिखना सीख गया। उंगली चला चला के, उंगली एक ही जगह लिखी जाती है। पहली पहली बार जो जुड़े होंगे उनको तो ये बड़ा सा अजीब सा लिख रहा लग रहा होगा, बट मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मेरा रेजाणी अब मुझे समझ में आ रहा है। पहले मेरा रेजाणी या कुछ लिखता था तो समझ नहीं आता था। बात कर रहे थे हम रेजाणी पाने की, कुएं से निकाला जाता है और खड़िया पत्थर, बस इन तीन चीजों पर ये पाठ आधारित है। खड़िया पत्थर, या पत्थर वही पत्थर है जब हम छोटे थे, आप में से भी कईयों ने इस्तेमाल किया होगा, स्लेट पर हम लिख रहे होते, पत्थर का सा टुकड़ा होता था नीला नीला सा, ऐसा ही कुछ होता है खड़िया पत्थर। तो ये इन्हीं चीजों पर आधारित है। एक खड़िया पत्थर जैसे ही हम कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं या कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं या कोई भी खुदाई कर रहे होते हैं, वहां पे अगर खड़िया पत्थर निकलता है तो अनुमान रहता है कि यहाँ पे कुइयां बनाना सही रहेगा, यहीं से रेजाणी पानी निकलेगा। ऊपर का पानी बहता हुआ जाता है, पाताल के पानी में मिल नहीं पाता क्योंकि खड़िया पत्थर बीच में आ जाता है। खड़िया पत्थर के ऊपर का पानी रेजाणी पानी कहलाता है। अब हम सीधा अपने पाठ पर चलेंगे। पसीने में तर बतर चेलवान जी, चेलवान जी होता है कुई चिन्हने वाला, कुई बनाने वाला। पसीने में तर बतर चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। पाठ अनुपम मिश्र का है, लेखकों के नाम तो याद रखने हैं। राजस्थान के रजत बूंदे पाठ का नाम है, लेखक का अभी हमने जीवन परिचय देखा तो हमने उनकी जन्म तिथि देखी थी। अगर आपको ध्यान है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो आप अपने वितान में देखकर जन्म तिथि मैसेज बॉक्स में लिख देंगे ताकि याद रह जाएगा। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उत्तर भारत में सभी को पता है उखरू किसे कहते हैं। अगर किन्हीं की हिंदी उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे साथ केरल से भी और तमिलनाडु से भी बहुत सारे अध्यापक जुड़ते हैं, तो जब ये चीजें कई बार मैं स्किप कर जाता हूँ तो वो बताते हैं कि सर ये बेसिक चीजें प्लीज आप बता दिया करिए, क्योंकि हम केरल से हैं या हम तमिलनाडु से हैं या हम कर्नाटका से हैं। तो मैं बता दूं कि जब हम घुटनों के बल बैठते हैं तो उसे पुखरों कहा जाता है। बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से तो हो नहीं सकता, इसलिए खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि कुएं की खुदाई किससे की जाती है। बसोली एक छोटा सा औजार है, क्योंकि जगह कम है तो उस छोटे से औजार से कुएं की खुदाई की जाती है। बसोली छोटी डंडी का एक छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल वाला और हत्था लकड़ी का, इससे होती है कुएं की खुदाई। कुएं की खुदाई जो जो होती जाएगी, जो जो गहराई में जाएंगे ना, क्योंकि राजस्थान में हो रही है ये खुदाई, जो तो गर्मी बढ़ती जाएगी और गर्मी का इतना जबरदस्त असर हो सकता है। लेकिन उसका उपाय देखिए क्या करते हैं वहां, कि कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सावधानी ना बरती जाए और रेत के साथ साथ कोई पत्थर के टुकड़े जा सकते हैं और स्पीड से जाके उसके सिर पर लग सकते हैं, इसका भी उपाय कर लेते हैं। तो बहुत जोर से रेत फेंकते हैं, रेत जब नीचे जाती है तो ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम करे चेलवान जी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे का, पीतल का या अन्य किसी धातु का कोई एक बर्तन टोप की तरह ओढ़ लेते हैं। तो कौन सा बर्तन, कांसा, पीतल या कोई भी धातु का, ताकि चोट से बचा जा सके, और फेंका इसलिए जाता है ताकि गर्मी उसे परेशान ना करे और वो आराम से अपना काम कर सके। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाएगा। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं, टोप इनसे भी तेलवान जी का सिर बचाएगा। तो टोप पहन कर वो खुदाई कर रहे होते हैं ताकि सुरक्षित रहे। तेलवान जी का दूसरा नाम तेजारो है, कुएं की चिनाई करने वाले। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम
लोग। यह काम चेजा कहलाता है। न केवल कुएं की खुदाई करना चेजा कहलाता है, बल्कि उस एरिया में जिधर के हम लोग हैं, उस एरिया में जिधर की कुइयां बनती हैं, वहां मकान बनाने को भी चेजा ही कहा जाता है कि फलाने व्यक्ति के यहाँ चेजा चल रहा है, मकान बनाया जा रहा है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, और कुएं की परिभाषा यहाँ पे इन्होंने दे दी है। अगर ऑप्शन में कहीं आता है छोटा सा कुआं, कुएं यानी छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुआं स्त्रीलिंग। छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं, अर्थात केवल इसकी चौड़ाई, इसका व्यास ही छोटा है कुएं से। गहराई कहीं कहीं ये बहुत गहरी भी हो सकती है। ये वहां तक जाएगी जहां पे कड़िया पत्थर मिलेगा, इतनी गहराई तक तो जाएगी। कड़िया पत्थर अगर ज्यादा गहरा है तो कुएं की गहराई ज्यादा हो जाएगी, कम गहराई कम। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या कुछ ज्यादा होती है। स्थान विशेष के अनुसार गहराई कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन गहराई के मामलों में कहीं कहीं कुइयां कुएं की बराबरी भी करती है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, और कुएं भूजल से ठीक पहले ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। तो कुआं भूजल को हमने पहले जिक्र किया, भूमिगत जल को निकालने के लिए कुआं, लेकिन कोई भूमिगत, एक तरह से भूमिगत जल तो हो गया, भूजल तो हो गया, लेकिन क्योंकि खड़िया पत्थर के ऊपर है वो, तो वो भूजल ना होकर खड़िया पत्थर के ऊपर वाला जल है, उसे रेजाणी पानी कहा जाता है। रेजाणी पानी तो भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कोई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब जब वर्षा ही नहीं होती। वर्षा होती है तब तो समेटेगी, जब वर्षा नहीं है तब भी वहां से पानी निकलता है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है कि भाई इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। मतलब कुएं अपने आप में कितना बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार किया गया होगा उन लोगों के द्वारा पानी को पाने के लिए। भूमिगत मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, तुरंत। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे राजस्थान, हरियाणा या यूपी बैकग्राउंड के हमारे साथ के टीचर्स हैं। मैं दोबारा में जिक्र करूंगा क्योंकि ये पाठ पढ़ाते समय मैं पिलानी का बहुत जिक्र करता हूँ। तो पिलानी में एक पांव हाथ कमर तक का पानी अगर भर गया बारिश का, 2 3 4 घंटे में सारा पानी नीचे उस एरिया में सारा भरता है, और वो पानी सब खत्म। पानी ठहरता नहीं है कि पानी 4 दिन ठहरा हुआ है। उड़ीसा मेरी पोस्टिंग आई, वहां पानी महीने महीने ठहर जाता है। तो फर्क है, इसीलिए यहाँ पे कुइयां सफल है। तो मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10 15 हाथ से 50 60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये बहुत जरूरी प्रश्न हो गया कि खड़िया पत्थर कितने फीट पर मिल रहा है। तो यहाँ फीट ना लिखकर इन्होंने लिखा 10 15 हाथ पर भी मिल गया। अब 10 15 हाथ पर खड़िया पत्थर मिल गया तो बढ़िया है, वहीं से पानी निकल रहा होगा। कहीं कहीं ये 10 15 की बजाय 50 60 हाथ पर भी खड़िया पत्थर मिलता है। तो जहां 50 60 हाथ पर मिलेगा तो कुएं की गहराई भी उतनी ही हो जाएगी। खड़िया पत्थर, रेजाणी पानी और कुएं, तीनों एक साथ आएंगे, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। अब ये पट्टी लंबी चौड़ी है माने कौन सी पट्टी? यही पट्टी जिस पर खड़िया पत्थर है। मान लो ये है वो पट्टी और ये खड़िया पत्थर की पट्टी है पूरी। इधर खड़िया पत्थर धरती के नीचे है और ये धरती का ऊपर का हिस्सा है। तो यहां किसी व्यक्ति ने कुई बना ली तो अगला व्यक्ति यहां बना रहा होगा, क्योंकि अनुमान हो जाता है बड़े बुजुर्गों को कि यहाँ पर वो पट्टी चल रही है और पानी यहां से मिल पाएगा। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में तो पानी 150 200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्रायः खारा होता है। तो 150 200 हाथ पर पानी निकला, खारा रहा बड़े कुओं में, इसलिए पीने के काम में आ नहीं सकता। तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। तो कुई बनाने का एक कारण यह हो गया कि पानी तो आ गया, चलो 150 200 हाथ पर, पीने का पानी नहीं आया, नहीं आया तो अब कुइयां बनेंगी। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है।
बड़े बुजुर्ग बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगा देते हैं, मौसम का अनुमान लगा देते हैं, तो इसका भी अनुमान लगा देते हैं। पीढ़ियों का अनुभव काम आता है, बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे पट्टी चल रही है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि तुरंत बैठ जाता है पानी कहीं कहीं जगह, और नहीं बैठ रहा माने कहीं ना कहीं वो पट्टी चल रही है, खड़िया पत्थर है नीचे, तभी वो स्लो स्लो धीरे धीरे जा रहा है। तो मतलब यहाँ कोई बनाई जा सकती है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। कौन सी पट्टी? खड़िया पत्थर की पट्टी। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठती है, पर ऐसे क्षेत्र में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। जहां भी जो भी व्यक्ति है और वो जिंदा है, तो प्रकृति ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनका जीवन वहां संभव है। अभी यहाँ हमारी पोस्टिंग पहाड़ में है, और यहाँ पानी की व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि ऊपर बर्फ जमती है, कुएं तो बन नहीं पाते ना, पानी बह रहा होता है, पानी की कमी ही नहीं आती। और वहां क्योंकि रेगिस्तान है तो वहां ये वाली व्यवस्था कर दी। हर कहीं कोई ना कोई व्यवस्था भगवान ने कर रखी है ताकि जीव दे रहे। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। इसका भी कारण, एक कारण बताया जाएगा इसका भी, ये अगर ये एक दूसरे के नहीं चिपकते हैं ना तो क्या होगा? आगे इसमें बताया है कि जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हुए अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत खलियान में दरारें पड़ जाती हैं। और जब ड्रॉट का, जब अकाल का चित्र दिखाया जाता है कुछ, तो वहां पे वो दरार पड़ी हुई मिट्टी दिखाई जाती है, इससे सब कुछ सूख जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, रेत के कण बहुत बारीक होते हैं और ये कण एक दूसरे से चिपकते नहीं है। नहीं चिपकते हैं तो फिर उनमें दरारें भी नहीं पड़ती, और दरारें नहीं पड़ेंगी तो धूप नीचे तक नहीं जा पाएगी, धूप नीचे तक नहीं जा पाएगी तो पानी नीचे वाला सेब सुरक्षित रह जाएगा। तो धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ती वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे जल चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा है। एक तरफ पट्टी पट्टी किससे रखवाली कर रही है? भूमिगत या खारे जल में मिलने से रोक रही है। खड़िया पट्टी, जल ऊपर है, ऊपर से सूरज सुखा देगा, भाई राजस्थान में इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है लेकिन सूरज नहीं सुखा पाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि रेत के कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं नहीं, नहीं है तो दरारे नहीं है, दरारे नहीं है तो सूखा ज्यादा नहीं पड़ेगा, अंदर तक गर्मी नहीं जाएगी, अंदर तक धूप नहीं जाएगी, वो पानी वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, तो हो जाएगा वहीं पर रह जाएगा। इस हिस्से में बरसे बूंद बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, और बूंद बूंद रिसती है, कुएं में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अगर वहां नीचे धरती में बहुत सारा खारा पानी है, कुएं बना दी गई है, तो उसके जस्ट ऊपर मीठा पानी है और जीवन अनवरत चलता रहेगा। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। इसी आविष्कार की कर रहा था मैं बात, ये तो एक तरह से बहुत बड़ा आविष्कार है कुएं का, कि लोगों को जिंदा रहना है और पानी भी चाहिए। कुएं बनाई गई, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को तीन रूपों में बांटा है। यही अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि वो तीन रूप कौन कौन से हैं। तो वो जो तीन रूप हैं वो है, पहला रूप है पालर पानी, पहला रूप हो गया पालर पानी, दूसरा रूप है पानी
पाताल पानी। हम जिस के लिए ये पाठ पढ़ रहे हैं या कुएं जिससे बनाई जाती है वो है रेजाणी, पानी जो पानी निकाला जाता है कुएं से। तो पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, ये धरातल पर बहता है और इससे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यह आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं मिलेगा, ये ऊपर बहने वाला हो गया। दूसरा है पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है, धरती के भीतर चला गया। असली बात है इस पानी की, इनके बीच का पानी, इनके बीच का पानी तीसरा रूप है रेजाणी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया पानी ही रेजाणी पानी है। खड़िया पट्टी के ऊपर पाया जाने वाला पानी ही रेजाणी पानी है, मीठा पानी ही रेजाणी पानी है। जिस पानी को पाने के लिए कुई बनाई जाती है वही रेजाणी पानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया रेजाणी। तो सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा, कितने रेजा पानी हुई भाई, कितने रेजा बरसात हुई, ऐसे नापा जाता है, तो रेजाणी। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को माप, तो रेजा का माप धरातल में समाई वर्षा को मापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। तो 5 अंगुल भीतर पानी समाया, 5 अंगुल वर्षा हो गई भाई। रेजाणी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है, ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाणी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। के अभाव में, खड़िया पट्टी के अभाव में विशिष्ट रूप माने मीठापन खो देगा और उस पानी जैसा हो जाएगा। अगर वो पानी खारा हुआ तो वो खारा हो जाएगा, पीने लायक बचेगा नहीं। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाणी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा और वो फिर किसी काम का रहेगा ही नहीं। इस विशिष्ट रेजाणी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। इतना कुछ होने पर भी क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? बहुत बार रेजो या चेजारों की बहुत बार मृत्यु भी हो सकती है, बहुत बार कुइयां धस जाती है क्योंकि चारों तरफ तो मिट्टी ही मिट्टी है, कभी भी धस सकती है। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी ऐसी घटनाएं घटने को देखने को मिलती है। तेजो यानी तिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। तो कुई का प्राण क्या है, ये सवाल आ जाएगा ना। तो कुई का प्राण है चेनो या तिनाई का श्रेष्ठतम काम ही कुई का प्राण है। चेजो या तिनाई का श्रेष्ठतम काम ही कुई का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ढोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके या धसे नहीं। तो जितना काम हो गया उसकी चिनाई कर लो। चिनाई के भी 2-3 रूप है, ईंट गारे सीमेंट वगैरह। इससे उस जमाने में अगर सीमेंट नहीं थी तो बाकी जो था जो भी सामान था उससे, नहीं तो एक विशेष प्रकार के घास से भी चिनाई की जाती थी, उसके मोटे मोटे रस्से बनाकर 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवान जी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। अब ये रस्से से बांधना का मतलब है रस्ते से चिनाई। चारों तरफ मान लो ये है अपनी कुई, तो यहां पर वो मोटा सा रस्सा लिया का घास वगैरह का और उसको इसमें डाल दिया उन्होंने। पहले बाहर बैठकर वो रस्से बनाते रहे बहुत सारे लंबे चौड़े, और फिर यहाँ पे उसको डालते रहे। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप, एक खीप होती है घास रेगिस्तान में उगती है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी हम में से, एकदम बहुत गहरे रेगिस्तान में भी नहीं, नॉर्मल खेतों में भी होती है। कीप कीप नाम के घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग कीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। घास का नाम आता है कीप। एक तरह से ये घास से मोटी होती है थोड़ी सी, बस आपको नाम याद रखना है कीप। और इससे 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगता है।
दिन का काम पूरा होते होते कोई कोई 10 हाथ, तो पहले दिन कितने हाथ? 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है और इस तरह से जैसे ही उसके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, के ऊपर चौथा बिछाया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा धक्का देके भी उसे थोड़ा नीचे नीचे सेट कर दिया जाता है। मतलब अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है और ऊपर सूखी दीवार में नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं, ये सब इसलिए ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना घटे। वो 5 हाथ के व्यास की, 5 हाथ के व्यास की कुंडली में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। ये एक और प्रश्न बन गया अपना कि लगभग 5 हाथ की, हाथ के व्यास की कुंडली में 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए एक घेरा बनाने के लिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। समझने के लिए सिंपल, अगर ये 4-5 हाथ की इसकी गहराई है इतनी, तो गोले तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, और उसमें कम से कम कितना 150 हाथ लंबा रस्सा चाहिएगा हमको। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4,000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि यह कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, इतना सारा रस्सा बनाना पड़ता है। इतने सारे आंकड़े इसलिए दिए हैं कि यह समझ में आए कि कितना लंबा चौड़ा रस्सा उनको बनाना पड़ता है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप भी मिलती है, तो भगवान ने कोई और चीज दे दी होगी वहां पर। लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की तिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। जहां जो चीज मिले वहां उस चीज का उपयोग मनुष्य कर ही लेता है। और ऐसी, हाँ ये एक सर ने लिखा, अच्छा लिखा क्या, अंगद की पूंछ से बने आसन की तरह। हाँ जी बिल्कुल, अंगद की पूंछ से बने आसन की तरह बिल्कुल। ऐसी जगहों पर भीतर की तिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी के, बण या कैर के, बावल या कुंभट के पेड़ों के टगालों से बनाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है ना पाठ, तो वहां पे कैर पाया जाता है, अरणी पाए जाते हैं, बावल कुंभट के पेड़ भी की डालियां आदि तने वगैरह पाए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की पाई जाती है। अरणी की सबसे अच्छी लकड़ी हो गई जिससे कुएं की चिनाई की जाएगी। क्यों? बावल, कैर, अरणी, कुंभट, इनसे क्यों? क्योंकि भाई वहां पे या तो पत्थर नहीं मिल रहा होगा अभी हमने पढ़ा, या तो खेप नहीं मिल रही होगी, और ब्रिजाड़ी पानी तो है, पानी तो चाहिए पीने के लिए, तो इससे बन जाएगा। जो चीज है उसी का उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। चलो कोशिश करते हैं, क्या पता बन जाए, और फिर वो अच्छी कोई बन गई। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम चला लिया जाता है। आग तो सब जानते होंगे, कई जगह नहीं पाई जाती, यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ गोपचर में बड़ी मुश्किल से एक या दो पाए गए। शिवरात्रि के दौरान हम ढूंढते फिर रहे थे, एक मिला बड़ी मुश्किल से। लेकिन उधर बहुत सारे आग के पेड़ हैं, और आग के पेड़ वैसे देने को वो दूध देता है, लेकिन खुद की हड्डियां उसकी गली हुई होती है बेचारे की, सूखा सा वो कैसे बनाता होगा। लेकिन बनाने वालों ने उससे भी अच्छा काम ले लिया और आग का पेड़ भी यहाँ कुई बनाने में काम आ जाता है। पेड़ क्या है, वो तो पौधा है, पौधा भी नहीं है, ना पेड़ है ना पौधा है। आग जिन्होंने देखा है ना वो जान पा रहे होंगे कि वो किस काम आता होगा, लेकिन उससे भी काम ले लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी, ये वही घास है, खीप की रस्सी से बांध जाता है। कहीं कहीं तग की रस्सी, एक और घास आ गई, तग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी कहते हैं। अच्छा, सांपणी और ये तग और ये खीप आने से मुझे एक चीज ध्यान आ गई। कई दिनों पहले मैं पढ़ रहा था तो पता चला राजस्थानी में, राजस्थानी भाषा में, हालांकि 8वीं अनुसूची में भी उसे मान्यता नहीं मिली है, राजस्थानी भाषा में अकेले ऊंट के 200 पर्यायवाची,
मतलब जिन वाइज एरिया वाइज उन्होंने अपने नाम निकाल लिए, तो बहुत समृद्ध भाषा है। किसी का इंतजार नहीं किया, जैसी चीज देखी, जैसा रंग रूप उस चीज का दिखा, वैसा ही उसका नाम रख दिया। चग और अब सांपनी, क्योंकि भाई ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उन्होंने इसको ज्यादा विचारा ही नहीं, ठीक है सांपनी है ना, तो सांपनी है ये, और ये सांपनी हो गई माने सापिन। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई कूद रही है, वो बीच में आया था ना एक पंक्ति, उसी की ये पंक्ति उठा दे दी, और ये चला जा रहा है, ये चले जा रहा है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है, खोदते खोदते मिट्टी अलग आई, भाई आ गई है खड़िया। एक क्षण नीचे धार लग जाती है, पानी की धार लग जाती है, तेजारो ऊपर आ जाते हैं। कोई की सफलता यानी सजलता, पानी आना उत्सव का अवसर बन जाती है। तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। ये वाली चीजें पढ़ के, और हम अलग अलग जगह पर, हम सबकी पोस्टिंग आती है, तो हम बहुत सारी चीजें वहां से सीख लेते हैं। उड़ीसा में दो तीन तीन चार अलग अलग त्योहार मुझे बड़े अच्छे लगे जो हमारे तरफ इधर नहीं होते। जैसे एक तो पूर्णिमा आती है शायद कोई, जब वो सारे लोग माने उनके बुजुर्ग कभी जाया करते थे व्यापार वगैरह के लिए, तो सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के हम भी साथ साथ चले जाते थे, देखते थे, तो नाव थोड़ी जाती थी किसी तालाब वगैरह में, बढ़िया अच्छा था। यहाँ पर उत्तराखंड में जैसे आए तो यहाँ देखा कि फूल दे एक त्योहार आता है, फूल दिया जाता है। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, दुनिया फरवरी में फूल दे रही है, लेकिन अपने भारत में ऐसे ऐसे त्योहार है कि हमने उनको भुला रखा है। तो फूल देई त्योहार का नाम ही फूल देई है। तो उस दिन छोटे बच्चे आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी घरों के कहीं के भी आ जाएंगे, वो आपके घर की चौखट पे आपको फूल देकर जाएंगे। इतना बढ़िया त्योहार है, और उस दौरान फूल खिले रहते हैं चारों तरफ, मनाया जाता है। तो चेलवान जी, अब यहाँ पर भी ये त्योहार हो गया एक तरह से, पानी आया त्योहार हो गया। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। तेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा क्या है कि इनको वर्ष भर सम्मानित किया जाता है, चेलवान जो या चेजारों को वर्ष भर तीज त्योहार में, विवाह मंगल जैसे गीतों में इनको। और ये सिर्फ चेजारों के लिए नहीं होता, अभी भी ग्रामीण एरियो में अपने अपने कुछ क्या बोला जाता है, यजमान या कुछ ऐसे बंदे रहते हैं, जब खेतों में फसल होती है तब, या कोई शादी होता है तब, या कोई और ऐसे फंक्शन उत्सव होते हैं तब, अपने उन सभी को जो जो उनसे संबंधित होते हैं उनको नेक वगैरह दिया जाता है। आज भी ये प्रथा कायम है, क्योंकि तो हमने अभी देखा पत्थर से चिनाई हो रही थी, खींच से भी चिनाई हो रही थी, चीन के खींच के रस्सों से चिनाई देखी हमने। अब जहाँ पे पत्थर और खींच के रस्से नहीं, वहां पे अरणी, एक नाम आया था अरणी आंख उनसे हो सकती है, या कोई और लकड़ी के लट्ठों से, तो ये लकड़ी के लट्ठों से ऐसे भी चिनाई की जाती है। पानी तो बहुत जरूरी है ना, तो पानी को पाने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह की जरूरत करता हुआ आप मनुष्य। अवसरों पर नेक भेंट भी दी जाती है। फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में हमने भी ये चीजें देखी है, तो गाँव में गए हुए काफी दिन हो गए, तो इस तरह से अलग अलग ढेर लगाए जाते थे, सबका हिस्सा होता था उसमें, सबका हिस्सा होता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है कि मजदूरी दो, ठीक है सारा काम कराओ, खत्म। ठीक अपनी तरह ही हो गया, जैसे हम अध्यापक लोगों को किसी जमाने में गुरु दक्षिणा मिला करती थी, अब सैलरी मिल जाती है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशेष कला में कुशल बन जाते थे, क्योंकि डेली का काम हो गया ना ये, तो वो कुशल बन ही जाएंगे इस विशेष कला में। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों, दोबारा जिक्र आया है, एक और किस पाठ में पालीवाल ब्राह्मणों का जिक्र आया था, अगर आपको ध्यान है तो आप मैसेज बॉक्स में उस पाठ का, उस गांव का नाम का जिक्र कर दीजिए कि किस पाठ में पालीवाल ब्राह्मणों का जिक्र आया था। एक और पाठ था, वितान का ही था, कौन से वितान का था, कहाँ था। पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही। तो कौन सा जिला आ गया, जैसलमेर आ गया। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मण आ गए, मेघवाल अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से
सौ दो सौ बरस पहले पार। तो पार किसे कहा जाता है? कुएं का दूसरा नाम पार, उधर पार ही कहते हैं, और वो आज भी पानी दे रही है। कुएं का मुंह छोटा रखने के तीन बड़े। एक और अच्छा प्रश्न आ रहा है कि कुएं का मुंह छोटा ही क्यों रखा जाता है, बड़ा भी तो रख सकते हैं। तो छोटा रखने के अब कारण आएंगे, अगर हम खुद थोड़ा सा विचार करें तो हम पाएंगे कि छोटा रखने से धूप उस पानी तक डायरेक्ट पहुंचने में थोड़ा समय लेगी, धूप उसे सुखा नहीं पाएगी। छोटा इसलिए भी रखा जाता है, एक तरफ ये छोटा है धूप कम जाएगी, छोटा और ये बड़ा है धूप ज्यादा जाएगी जल्दी सुखा देगी। फिर इसलिए भी रखा जाता है कि इसको ढकना आसान है, भी छोटा है ढक दिया ये लो, बड़ा है ढकना बड़ा मुश्किल है। तीसरा ये भी कारण है कि छोटा है तो वो कौवे ने हमें नहीं सिखाया कि कंकर पंख डालो और पानी ऊपर आएगा, भर लो पी लो। ऐसे ही छोटा है तो दो तीन मटके पानी भी थोड़ा ऊपर रहेगा, तो जिस डोल से पानी भरकर खींचेंगे आराम से उसमें आ जाएगा, इसमें तो फैल जाएगा सारा का सारा पानी। तो तीन कारण हो गए। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं, दिन भर में कोई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसे दो तीन घड़े भरकर निकाल सके। सिर्फ इतना ही पानी जमा होगा, दो तीन घड़े, उसके लिए इतना तामझाम करना पड़ता है। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास के कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी दो चार हाथ की ऊंचाई ले लेगा। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स, चड़स तो हमने देखी ही है, ये चमड़े की भी बनती है और अब तो ये रबड़ की भी बन जाएगी। तो उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है, ताकि छोटी सी चड़स होगी और उसमें पानी आ जाएगा, तब आ जाएगा जब कुएं का व्यास छोटा होगा। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बना होता है तो वो डूब जाएगी। ये सारे एक तरह से देखा जाए ना, कहने को जुगाड़ कह दो और कहने को कह दो साइंटिफिक, कहने को आविष्कार कह दो, तो ये आविष्कार है। अगर देखा जाए तो ये सब आविष्कार है, जीवन को बचा रखा है इन आविष्कारों ने। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है और सारा पानी उसके भीतर आ जाता है, हम खींच लेते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा संभव जब कुएं का मुंह इतना चौड़ा ना होकर इतना ही चौड़ा होगा। पिछले दौर में ऐसे कुछ गाँव के आसपास से सड़कें निकली हैं। अब तक हमने पढ़ा, कुछ कुछ प्रश्नों को हम फिर दोहरा लेते हैं। कुएं का एक और नाम आया है पार, अभी और भी कई नाम आएंगे। कुएं का अभी एक और नाम आ गया है पार। जैसलमेर का जिक्र आया था और जैसलमेर के जिक्र में भी दो तीन नए प्रश्न बने थे। ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी चड़से। अभी मैंने बताया कि रबड़ से भी चड़सी बना रहे हैं लोग, तो रबड़ से बनने वाले चड़स को चड़सी कहा जा रहा है और चमड़े से तो बनाई जाती ही जाती थी। तो एक जमाना था जब रबड़ नहीं बनता था, लोगों ने क्या किया, चमड़े से सारी चीजें बनानी शुरू कर दी। मतलब जहां जो चीज मिली मनुष्य ने उन्हीं का सदुपयोग, दुरुपयोग भी किया है, सदुपयोग भी किया है। कुछ मनुष्य सदुपयोग करने के लिए संसार में आते हैं और कुछ। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। अभी गर्मी का जिक्र हम कर ही चुके थे ना कि बहुत चौड़ा व्यास होगा तो पानी सुखा देगा, व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा, बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा और वो पानी उड़ जाएगा। पूरे दिन में दो तीन मटके पानी तो उसमें निकलते हैं, बस दो तीन घड़े। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है, हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की ये टट्टी के तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। अब जैसे ही ये शब्द आता है ना, बच्चे बड़े हंसते हैं, जबकि ये शब्द प्रयोग किया गया था सबसे पहले जब हम छप्पर वगैरह कुछ बनाते हैं ना तो टाटी बोला जाता है, उसके लिए प्रयोग किया गया था। और फिर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ अपने शब्द चलते हैं, ये किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो गया। कैसे हुआ? ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे अन्य शब्द इस युग में भी अन्य अर्थों में रूढ़ होते जा रहे हैं। दिव्यांग शब्द जैसे रूढ़ हो गया है, और भी कई शब्द हैं जो रूढ़ होते जा रहे हैं अन्य अर्थों में। तो जब हम बच्चों को इसका खुलकर बताते हैं, हंसते हैं बच्चे, चाहे किसी भी एरिया के बच्चे हो जो जानते हैं ना, जैसे ये आता है या तो इसको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाओ या उनको ज्ञान देते हुए आगे बढ़ जाओ। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो सच में ही जल ही जीवन है,
वैसे तो जल जीवन हर जगह ही है, लेकिन यहाँ तो भाई, यहाँ जिस चीज की उपलब्धता जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ये हम जितने जानते हैं। चोरी तो उसी चीज की होती है जो जितनी कम है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं कि भाई कहीं कोई मेरा पानी ना निकाल ले। कारण क्या है भाई, 2-3 घड़े ही तो पानी निकलते हैं, कोई और ले गया तो। कुएं गहरे बनी तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। घिरनी या चक्री लगाने का उद्देश्य क्या है? सरलता से, आसानी से पानी निकल जाए, बच्चा भी पानी निकाल ले। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी, मैंने अभी बताया था कि जैसे अकेले ऊंट के 200 पर्यायवाची के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, तो हर शब्द के क्षेत्र के हिसाब से हर चीज के कई शब्द बना रखे, कई पर्यायवाची हैं। हर जगह के लोगों ने अपने लिए एक एक तो एक एक शब्द बना रखा है, वही पर्यायवाची हो गया। तो घिरनी का अन्य नाम क्या क्या है? चक्री है, गरेड़ी भी घिरनी है, चरखी भी घिरनी है, फरेड़ी भी घिरनी है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है। ये लो, गुलेल बना दी, यहाँ पर अपनी चक्री लगा दी, ये गोल चक्री है ये मानकर चलेंगे, तो ये इसकी धुरी हो गई और यहां से रस्सी गई। लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है, आर पार छेद बनाकर इसे उड़ाक कहते हैं। अब नए नए फैक्ट्स, नए नए प्रश्न बनते जा रहे हैं। यह हो गया उड़ाक। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी सक्रिय कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ज्यादा ही जोर जबरदस्ती करेगा बिना इसके बिना पानी निकालने में व्यक्ति, तो कभी कभी पानी निकाल रहा होगा, पानी खुद उसे अपने पास खींच लेगा। उड़ाक और चरखी तरछी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक, ये भी तो फायदा है, नहीं तो टकरा टकरा कर आ रही होगी। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है, वजन खींचने में तो इससे सुविधा होती है, ये फिजिक्स का रूल है अपना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आराम से पानी खींच जाएगा। अब आते हैं वापस, हम खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। मान लो अगर यहाँ से खड़िया पत्थर है तो ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये इधर से होगा, इधर भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा इधर होगा, कहीं भी होगा, या सीधी पट्टी जा रही होगी, तो ये इसलिए पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती है। तो जहां एक कुई मिल गई वहां समझ लीजिए कि और भी कुइयां मिलेंगी, लेकिन नजदीक नहीं मिलेगी। नजदीक मिलने से तो 2-3 घड़े इसमें पानी, 2-3 घड़े उसमें जाएंगे नहीं, आधा आधा पानी हो जाएगा, फिर एक और बने तो फिर और आधा हुआ, इसलिए थोड़ी दूरियां बनती है। ऐसे क्षेत्र में बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है, 30-40 मिलेंगी, 300-400 नहीं मिलेंगी, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। फिर हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुई, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है, अपने अपने कुएं है तो 50 कुएं बनाओ, सब परिवार है 100 कुएं बनाओ, लेकिन नहीं, ये संभव नहीं है, और अगर ऐसा किया तो पानी नहीं मिलेगा। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, अब मेरी कुएं मेरा हक। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है, उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई, अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कुछ बस स्टैंडों पर 15 सूमो तो पहले से ही लगा रखी थी, 10 सूमो और ले लेके आ गए लोग खरीद के, फिर रोजगार तो है नहीं, चलो सूमो लगाते हैं, तो अब तो वहां सवारियां तो उतनी है, सवारियां तो बड़ी नहीं है, सवारियों का बंटवारा, फिर वही तगड़ों का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज में नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति समाज दे पाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो। और अगर दे दी इतनी सारी स्वीकृति तो होगा क्या? होगा वही कि पानी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा फिर, तो ये क्या है, इसकी तुलना किससे की फिर लेखक ने? हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई, तो कुई और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, लेकिन हर दिन, एक साथ सारे अंडे नहीं निकाल सकते, इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है, इसलिए प्रायः पूरा गांव दो धुली बेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती हैं
घिरनिया, और उनका आता है स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। दो तीन घड़े भर जाने पर बॉल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे अपनी भैंस अपनी गाय का दूध निकाला, इतना ही निकलेगा, अब दूसरे ही दिन आएगा दूध। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर अगले दिन फिर कुइयां, दिन भर कुइयां फिर आराम करेंगे ना। बढ़िया सिस्टम इन लोगों ने बना लिया था, बुजुर्गों ने, जीवन निरंतर चलता रहे। बस रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगे। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, और इसी कारण यहाँ वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले में एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां हैं, 120 कुइयां हैं अकेले गांव में। कौन सा जिला? जैसलमेर। अब इस क्षेत्र का नाम ही छबीसी निकाल दिया लोगों ने, कि छबीसी 6x20 के नाम से इसे जाना जाता है। कहीं कहीं ने पार भी कहते हैं, पहले भी आया था पार, खडेरों की ढाणी। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण भी आबाद है, इसलिए उन गांव के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरगु आलो पार, पार का मतलब ही कुई है, और उन गांव में कुइयां हैं, कुइयां हैं तो उन्हीं के नाम पर गांव के नाम हो गए, जानरे आलो पार, सिरगु आलो पार, खडेरों की ढाणी जहां 120 कुइयां हैं, और अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। कहीं यह चारोली है, मैंने बताया था ना बहुत सारे नाम मिलेंगे, कहीं भादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं बिट्टू रो बिल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इसे केवल खड़ी भी कहते हैं। तो ये कितने सारे नाम हो गए, अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं तो आपने लिख लिया होगा। है तो सरल चाहिए, चारोली किसे कहा जाएगा? पार को कहा जाएगा, तो पार किसे कहा जाएगा? खड़ी को कहा जाएगा, खड़ी किसे? बिट्टू रो बल्लियों और धड़धड़ो और धाधड़ो, कहीं के ही नाम हो गए इतने सारे, जिनको जो तस्वीर दिखी उसमें उसने वही उनका नाम रख दिया। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास सामान्य कुओं से के गहराई और व्यास में क्या अंतर है? दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? ये जिन क्षेत्रों में पानी बहुत ज्यादा है और पानी की बर्बादी लोग कर रहे हैं, तो उन्हें बताया जाएगा कि देखो एक क्षेत्र देश में ऐसा भी है जहां पे दो तीन घड़े पानी के निकलते हैं, पूरा क्षेत्र ना सही, तो कुछ कुछ एरिया तो है ऐसा। यहाँ से ऐसी भी इमेज ना बने कि पूरे राजस्थान में पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा है, नहीं है, थोड़ी बहुत है, कुछ कुछ जगहों पर है, कुछ कुछ जगहों पर बहुत पानी है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ बहुत पानी है, और इधर झुंझुनू जिले में भी कहीं कहीं ठीक ठाक सा पानी है, और भी कई जगहों पर पानी है। क्योंकि यहाँ जब हम आए, हमने बताया कि राजस्थान से, तो एक इमेज बन जाती है कि यार वहां तो पानी है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ समस्या है, कहीं कहीं ज्यादा समस्या है, कहीं कहीं कम समस्या है। निजी होते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों? निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों को पालर पानी हमने जाना, पालर पानी क्या होता है? जमीन पर जो गहरा है वो पालर हो गया, पाताल जो अंदर चला गया पानी, धरती में भूजल हो गया, जो कुओं से निकाला जाएगा वो पाताल पानी। रेजाड़ी पानी के लिए ही तो घाट बना था, खड़िया पट्टी के ऊपर जो बह रहा है वो रेजाड़ी पानी है, कुएं से जो निकाला जाता है वो रेजाड़ी पानी, और मीठा जो पानी है वो रेजाड़ी पानी है। अगर वो खड़िया पट्टी नहीं होगी तो रेजाड़ी पानी नहीं मिलेगा, वो पाताल पानी में मिल जाएगा और खारा पानी हो जाएगा। अब आप मैसेज बॉक्स में अपने मैसेज करते रहेंगे। पहला सवाल है, राजस्थान की रजत बंधी पाठ के लेखक कौन है? तो पहला सवाल, राजस्थान की अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र इस पाठ के लेखक हैं। अनुपम मिश्र का जन्म और मृत्यु आपने लिख ही दिया था, दो तीन चार बार लिखने के बाद भी 5 7 8 बार जब लिखवाते हैं हम माने अपने छोटे अपने बच्चों को 9वीं 10वीं कर रहे हो, वो सोच रहे होते हैं सर बार बार क्या लिखवा रहे हो। हम सबको पता है कि हम बाद में भूल जाएंगे, इसलिए इतनी बारी से लिखना है, और हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे इन पाठों को एक बार दोहरा लेना है।
तो भूलेंगे नहीं। राजस्थान के रजत बूंदे नामक पाठ के लेखक आपने बताया अनुपम मिश्र। बेबी हालदार का कौन सा पाठ है, कुमार गंधर्व का कौन सा पाठ है, हजारे प्रसाद द्विवेदी का, ये भी तो याद होना चाहिए, तो ये भी आपको याद होगा ही। अगले में चलते, कुएं की कितनी गहराई की खुदाई हो चुकी थी जब पाठ की शुरुआत हुई तब, तो कुएं की कितनी गहराई की खुदाई हो चुकी थी, तो कुल खुदाई हो चुकी थी। आपने पहला ही वो था अपना, पहले ही पंक्ति में आया था, नहीं, 10-15 नहीं, शुरुआत में, देखिए पाठ की शुरुआत में ही 30-35 हाथ की खुदाई हो चुकी थी, 20-30 हाथ, 30-35 हाथ, 25-30 हाथ, 15-20 हाथ, तो 30-35 हाथ शुरुआत में ही देखिए आप पाठ के शुरू में। कोई शब्द से तात्पर्य खुला स्थान, गहरा स्थान, छोटा सा कुआं या गहरा कुआं, तो कोई शब्द से तात्पर्य है, कोई शब्द से तात्पर्य है कोई माने छोटा सा कुआं। अगला है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है, फावड़े से, हत्थी से, दराती से या बसोली से, तो कुएं की खुदाई की जाती है किससे, बसोली से। पाठ के अनुसार बसोली का हत्था किसका होता है, लोहे का या लकड़ी का, पाठ में दे रखा था बसोली का हत्था लोहे का या लकड़ी का। पहलवान जी अपने सिर पर किस प्रकार का मोटा टोप पहनते हैं, अपने सिर पर कांसे का, पीतल का, किसी अन्य धातु का, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किस प्रकार का पहनते हैं, कांसे का, पीतल का, इसमें दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ में जाकर देखिए, कांसा और पीतल दे रखा था, किस चीज के लिए दे रखा था, एक बार जाकर देखिए, यहां हो सकता है कुछ कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। आपने पाठ में देखा, किसी भी एक धातु का जी। चेलवांजी शब्द का अर्थ क्या होता है, चेजारो, निहारो, पुचकारो या मिथारो, चेलवांजी शब्द का अर्थ क्या होता है, चेजारो, चेलवांजी शब्द का अर्थ हो गया चेजारो। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नीचे क्या फेंकते हैं, तो ये मुट्ठी भर भर कर नीचे फेंकते हैं रेत, पानी, टोप या रस्सी, तो वो फेंकते हैं रेत, रेत फेंकते हैं। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है, तो बड़े कुओं में पानी 150-200 हाथ पर, 200-300 हाथ पर, 100-200 हाथ पर, या पाठ के अनुसार, ये जो है ना, ये सारे भी सही हो सकते हैं क्योंकि तो अलग अलग जगह पे अलग अलग निकल रहा होगा, लेकिन पाठ के अनुसार हमें चलना है, तो पाठ के अनुसार आपका उत्तर है 150-200 हाथ। हाँ, 150-200 हाथ। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है, बड़े कुओं के पानी का स्वाद मीठा, नमकीन, कड़वा या खारा, पाठ के अनुसार चलना है, तो पाठ के अनुसार बड़े कुओं का पानी खारा होता है। जहां लगाव है वहां बिखराव भी है, अलगाव भी है या अवसान भी है, खाली स्थान भरना है, तो जहां लगाव है वहां क्या है, तो वहां अलगाव है, जहां लगाव है वहां अलगाव है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है, तो 4 रूप, 5 रूप, 7 रूप या 3 रूप, तो उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है उन्होंने, उन्होंने उपलब्ध पानी को बांटा है 3 रूपों में, उन्होंने उपलब्ध पानी को बांटा है। उपलब्ध पानी के 3 रूप है, पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी या उपरोक्त में से सभी, तो उपलब्ध पानी के रूप है 3, सभी। अगला सवाल, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पट्टी, इंच, सेंटीमीटर या रेजा, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है वो शब्द है रेजा, रेजा शब्द का प्रयोग किया। 5 हाथ के व्यास के कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए,
हाथ के व्यास की कुई में तो कितना लंबा रस्सा चाहिए सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए? तो एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा कुएं के पानी को साफ रखने के लिए किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? साफ रखने के लिए लोहा, पत्थर, मिट्टी या लकड़ी? हमें पाठ के अनुसार चलना है, तो पाठ के अनुसार लकड़ी है। तो हो सकता है लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आजकल कोई लोहे का भी डाल रहा होगा, आजकल तो सीमेंटेड भी हो रहे होते हैं, लेकिन पाठ के अनुसार अपना लकड़ी ही सही उत्तर है। गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी तकरी को क्या कहते हैं? तकरी को गरेड़ी कहेंगे क्या, या तरकी कहेंगे, या फरेड़ी? चौथा ऑप्शन नहीं बताना, आप बताइए क्या कहेंगे। डी क्यों कहेंगे, डी तो अभी दिखाया नहीं। अच्छा सभी, हाँ बिल्कुल, अगर तीनों, हाँ तीनों, क्योंकि डी तो अभी दिखाया नहीं ना, डी सभी ही आएगा क्योंकि तीनों ही कहेंगे। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते हैं? तो खरेड़ों की ढाणी जो गांव है उसका अन्य नाम क्या है? तो खरेड़ों की ढाणी का अन्य नाम है छबीसी। हाँ, खरेड़ों की ढाणी का अन्य नाम है छबीसी। छबीसी ये क्वेश्चन है। राजस्थान की रजत भूमि पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। कुएं शब्द का अर्थ क्या है? कम व्यास का बहुत ही छोटा कुआं। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि कम मात्रा का पानी ज्यादा फैले नहीं और ऊपर आसानी से निकला जाए और भाप बनकर बिल्कुल भी ना उड़े। कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा है, पीने योग्य रेजाणी पानी होता है। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? चेजारो या चेलवांजी कहा जाता है। राजस्थान के किन इलाकों में कुइयां बनती है? तो रेत के नीचे जहाँ कड़िया पट्टी चलती है उन इलाकों में मिलती है। बहुत सारी जगहों पर मिलती है वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान में, लेकिन 3-4 जिलों के नाम वहां पे आए हैं जिनमें चूरू भी आया है, बीकानेर भी आया है, जैसलमेर भी आया है। रेत की सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़िया पट्टी मिलती है? 10-15 हाथ पे भी मिल जाती है, क्षेत्र वाइज देखा जाता है, और 50-60 हाथ पर भी मिल जाता है। कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी जब पाठ शुरू हुआ था? तो 30-35 हाथ की खुदाई हो चुकी थी। कुएं की खुदाई किससे? बसोली से की जाती है। कुएं क्यों बनाई जाती है? भूजल को पाने के लिए। कुआं है ये, कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए। तो कुई क्यों बनाई जाती है? कुई रेजाणी पानी को पाने के लिए बनाई जाती है। तो रेजाणी पानी किस पानी को कहा जाता है? जो पानी खड़िया पट्टी के ऊपर पाया जाता है, जो पानी भूजल पानी नहीं होता, लेकिन जो पानी ऊपर बहने वाला पानी भी, पालर पानी भी नहीं होता, कुई के द्वारा निकाला जाता है। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? तो ज्यादातर पाठ के अनुसार खारा है, क्योंकि अपवाद होते हैं ना, इसलिए मुझे पाठ के अनुसार बोलना पड़ रहा है। पाठ के अनुसार खारा है। ये जा रहा हूं, अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते? तो कांसे, पीतल या अन्य किसी भी धातु से बना हुआ वो टोप अपने सिर पर पहन लेते हैं। क्योंकि गर्मी कम करने के लिए ऊपर से जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर के नीचे फेंकते हैं रेत, रेत में हो सकते हैं पत्थर वगैरह कुछ भी, इसलिए वो सिर पर लगा लेते हैं टोप। और रेत क्यों फेंकते हैं? गर्मी कम करने के लिए, नीचे गर्मी बढ़ती चली जाती है। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? तो बड़े कुओं में 150 से 200 हाथ की गहराई पर, एक अनुमान ही है। पाठ के अनुसार हमें 150 से 200 हाथ ही याद रखना है। राजस्थानी समाज ने वहां उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? तो 3 रूपों में बांटा। उनका नाम दिया है पालर पानी, ऊपर जमीन पर बहने वाला पाताल पानी, कुओं से निकाला जाने वाला रेजाणी पानी, तो कुएं से निकाला जाएगा। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह है रेजा। चेजो किसे कहा जाता है? कुएं की चिनाई के काम को ही चेजो कहा जाता है। ये क्रिया है, चेजो क्रिया हो गई, कुएं का चिनाई जो चल रहा है वो चेजो है, उसे करने वाला व्यक्ति हो गया चेजारा। यहाँ ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती, वहां कुएं को किससे बांधा जाता है? तो खींच की रस्से से बांधा जाता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना रस्सा? तो ये 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। जब 5 हाथ व्यास के कुएं में एक एक घेरा कुंडली का जब बनाया जाता है, ये रस्सी किससे बनती है? तो फिर से हम देख लेंगे, रस्सी कीप से बनती है, जो मात्रा राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कीप के अलावा एक और घास का नाम भी आता है, वह है चग। चग चग से भी बनाई जाती है। कुछ जगहों में कुएं के भीतर की तिनाई किन पेड़ की लकड़ियों से? तो वो होगी अरणी। अरणी बहुत प्रमुख रूप से अरणी से की जाती है। बाकी बण, बावल, कुम्भट और आक की लकड़ी भी है, इनमें इनका नाम कैर भी है, कैर।
कार्क से, जो कार है ना, कैर कैरी बोलते हैं कुछ, कैर बोलते हैं कुछ, केर बोलते हैं, उससे एक फल निकलता है, उसके पत्ते नहीं होते, शायद वही वाला कैर है, वो फल को टेट कहा जाता है। मतलब वहां की गर्मी से बचने के लिए अगर टेट से बना अचार हम खाते हैं तो वो गर्मी का वो भी रामबाण उपाय होता है। आज प्रथा क्या होती है, कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की प्रथा को ही आज प्रथा कहा जाता है कि उन्होंने कुएं खोदी। अब उन्हें एक मुश्त पैसा नहीं दिया जाता बल्कि नेक वगैरह दिया जाता है, वार त्योहार, तीज त्योहार, ब्याह शादियों और खलिहान से उन्हें मिलता है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है, लकड़ी के ढक्कन से उसे ढका जाता है, लकड़ी के ढक्कन से। पाठ के अनुसार लकड़ी का ढक्कन याद रखना है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता है। अब आजकल की अगर बात करें तो फिर ये ट्रक वगैरह आदि के टायरों से बने हुए छोटी चड़सी से भी निकाला जाने लग गया। चड़स किससे बनते हैं, तो चड़स मोटे कपड़े या चमड़े से बनते हैं। पाठ के अनुसार चड़स के मुंह पर क्या बांधा होता है, तो लोहे का वजनी कड़ा बांधा होता है। लोहे का वजनी कड़ा क्यों बांधा होता है, ताकि वो डुबो सके उसे पानी में और पानी उसमें आराम से भर सके। गहरे कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं, तो चक्री के कई नाम है, एक है गिरनी, एक है गरेड़ी, गरेड़ी है तो फरेड़ी है, और फरेड़ी है तो चरखी है। कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है, तो वह जमीन गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। और ये प्रश्न क्यों बन जाता है, सार्वजनिक जमीन है तो उस पर कोई भी अपनी मन मर्जी से कुइया नहीं बना सकता, गांव समाज का उस पर अंकुश रहता है। हालांकि कुई उस व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज है, लेकिन वो बिना समाज की अनुमति के कुई नहीं बना सकता। कुई पर किसका अंकुश लगा रहता है, तो ग्राम समाज का अंकुश कुई पर होगा ही होगा। आधिपत्य भले ही उसका खुद का हो कि वो कितनी भी कुइयां बना सकता है, लेकिन क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो पूछ कर बनानी होगी, पूछेगा तो वो गांव समाज उसे मना करेगा। कड़िया पत्थर की मिट्टी पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में मिलती है, तो ये हो गए चूरू, ये हो गए बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। खडेरों की ढाणी में कितनी कुइयां थी, तो 120 कुइयां थी। खडेरों की ढाणी निम्नलिखित में से किस जिले में है, खडेरों की ढाणी निम्नलिखित में से किस जिले में है, मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। खडेरों की ढाणी जिसमें 120 कुइयां हैं, जिसे 26 ही कहा जाता है, किस जिले में है। जैसलमेर जिले के खडेरों की ढाणी गांव को लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये हो गया 26 ही, और अपना पाठ हो गया खत्म। जैसलमेर, आज का पाठ तो जल्दी हो गया, छोटा पाठ। माइक ऑन है।